सो गाइस, फिर आप लोग का YouTube पेमेंट नहीं आया, आप लोग के पास कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि YouTube से फर्स्ट पेमेंट आता है ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी आपका YouTube पेमेंट आएगा। यानी कि YouTube पेमेंट अगर फर्स्ट पेमेंट आता है तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, अगर बैंक नहीं जाओगे भाई तो आपका YouTube पेमेंट नहीं आएगा। और आप लोग SBI बैंक अकाउंट दिए हो तो भाई आपको कहीं भी जाने जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका पेमेंट जो है फाइनली 28 तारीख 29 तारीख को आ जाएगा, ठीक है? चाहे फर्स्ट पेमेंट हो, सेकंड पेमेंट हो, थर्ड पेमेंट हो, और आप लोग SBI अकाउंट दिए हो तो 25 तारीख 26 तारीख 27 तारीख 28 तारीख के अंदर ही आपका YouTube पेमेंट आ जाएगा। और दोस्तों, मेरा पेमेंट जो है यहाँ पे कल ही मेरा पेमेंट आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, पेमेंट मेरा आ गया है, ठीक है? भाई सोचे भाई लोग को थोड़ा बता देता हूँ, भाई YouTube पेमेंट जो आने वाला था वो यहाँ पे आ चुका है। और जिसका SBI का बैंक अकाउंट था वो 28 तारीख को पेमेंट आ गया है, जो कि 25 तारीख को मैसेज आया था मतलब कि पेमेंट आने वाला है, और 28 तारीख को फाइनली मेरा YouTube पेमेंट यहाँ पे आ चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? तो बात करें कि अगर आप लोग के पास अगर कुछ इस तरह का मैसेज आया हुआ है यहाँ पे, मतलब कि मैंने बैंक अकाउंट का दिया था, मतलब SBI पहले मैंने दिया था फर्स्ट पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे मतलब बैंक ऑफ इंडिया दिया था, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज आया था, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ब्रांच, ठीक है? अकाउंट मतलब यहाँ पे दिया था कुछ, तो यहाँ पे मतलब बता रहा था कि मतलब कुछ फॉर्म भर के आपको बैंक में देना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको SBI छोड़ कर कोई दूसरे बैंक दिए हो या फिर SBI दिए हो तो आपका पेमेंट आ जाएगा, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और बैंक ऑफ इंडिया का दिए हो तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आता है तो आपको करना क्या है कि अपना बैंक ब्रांच जो भी है आपका, जहाँ भी आपका अकाउंट खुला है, तो उस बैंक का ब्रांच से मतलब ब्रांच आपको जाना है। ब्रांच जाने के बाद आप जो भी बैंक मैनेजर होगा उसको जाकर बताना कि सर मेरा YouTube से पेमेंट आ रहा है, US से पेमेंट आ रहा है, फिर जहां से भी आपका पेमेंट आ रहा है उस तरह से आपको बताना कि इस तरह से मैंने YouTube पे काम करता हूं और मेरा यहां पे US में मतलब कि US डॉलर में मतलब डॉलर से मेरा पैसा आ रहा है मेरा बैंक अकाउंट में, ठीक है? आपको जाना बैंक में, बोलना कि मैं YouTube पे काम करता हूं और मेरा मतलब कि US मतलब कि डॉलर से मेरा पैसा आ रहा है मेरा बैंक अकाउंट में, ठीक है? उसको ये बोलना है कि मेरा डॉलर के हिसाब से मतलब डॉलर से मतलब पैसा आ रहा है मेरे में, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे जाके बताइएगा तो आप वहाँ पे आपका अकाउंट को चेक करेगा, चेक करने के बाद आपका अकाउंट से मतलब देखेगा तो हाँ बोल डॉलर में आपका अकाउंट में पैसा आ रहा है, यानी कि बाहर देश से पैसा आता है तो डॉलर में आता है, तो डॉलर में यहाँ पे आपका पैसा आ रहा है आपका बैंक अकाउंट में, तो वहाँ पे बोला गया भाई आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना है, जो कि एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे सकते हो, मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे दिया था। तो आप लोग एप्लीकेशन में कुछ नहीं लिखना है, बस वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन में लिखना रहेगा वहाँ पे अपने मैनेजर को पूछ लेना है, वो मैनेजर आपको बता देगा क्या क्या लिखना है, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सब आपको अकाउंट नंबर सब देना है वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के, झेरोक्स मांगेगा झेरोक्स देना है, आपको फॉर्म भरने के लिए बोलेगा तो फॉर्म भी आपको जो है मिल जाएगा। मेरे को अगर आप लोगों का साथ ऐसा कुछ मैसेज आया है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आप लोगों को फॉर्म वहाँ पे भेज दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ आपको नहीं करना, बस यहाँ पे देख सकते हो तो फॉर्म कुछ फॉर्म आपको भरना पड़ता है, नहीं भी भरोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने गया था वहाँ पे कोई फॉर्म नहीं भरा था, सिर्फ एप्लीकेशन मैंने लिख के दिया था, एप्लीकेशन लिखने के बाद सेंड किया था मैंने, उसके बाद मेरा पेमेंट जो था वो वहाँ पे मेरा पैन कार्ड लिंक नहीं था, तो एक दो दिन के बाद पेमेंट जो था मेरा बैंक अकाउंट में भेज दिया था, ठीक है? तो आप लोगों के साथ अगर इस तरह कुछ मैसेज आ रहा है भाई आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बैंक ब्रांच जाना है, मैनेजर से मिलना है, मिलने के बाद वहाँ पे बताना कि मतलब डॉलर में मेरा अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बस आप मेरा अकाउंट को चेक कीजिए, पेमेंट मतलब कैसे आएगा नहीं आएगा वो बता दीजिए, तो वो आपको बता देगा, आपका पेमेंट जो है 1 से 2 दिन में आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और आपको फर्स्ट बार ही जाना है बैंक, बार बार आपको बैंक नहीं जाना है, बस आपको एक बार बैंक जाना है, उसके बाद आपका पेमेंट जो है ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।